खबर 7C उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए दिखाते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में मरीजों से इलाज के नाम पर हो रही मनमानी वसूलियों पर रोक लगाने व सख्त कार्रवाई के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं। जनप्रतिनिधियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से अस्पताल की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री ने मोती कतरा स्थित राज्य क्षय रोग एवं प्रदर्शन केंद्र HTDC पर करीब 1.5 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। वाराणसी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए लागू किया गया सप्ताहांत कर्फ्यू अब लागू नहीं रहेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 7वें दिन के लिए एक समान नियम लागू करने का आदेश जारी किया है। इसमें दूध, फल, सब्जी और अनाज की दुकानें के साथ मिठाई, आबकारी और भोजन सामग्री की दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। शनिवार से सोमवार तक पहले का आदेश अब समाप्त माना जाएगा। आगरा में शुक्रवार को दिन में तेज धूप रही, लेकिन शाम को मौसम बदला। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी आई, जिसमें सड़क के किनारे लगे होर्डिंग और पेड़ उखड़कर टूट गए। धूल भरी तेज आंधी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए, जिसके तुरंत बाद तेज बारिश शुरू हो गई। महज 20 मिनट तक बारिश हुई, लेकिन सुल्तानगंज फ्लाईओवर के पास और नेशनल हाईवे पर सिकंदरा गुरुवार ताल समेत कई जगह जलभराव हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि ऑक्सीजन की ऑडिट जारी रखी जाए। एक सप्ताह पूर्व तक मेडिकल कॉलेज में 300 से 350 मेट्रिक तक की मांग होती थी, अब वह घटकर 250 से 300 एमटी तक हो गई है। बीते 24 घंटों में 923 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का वितरण किया गया। सभी जिलों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। मेरठ में बासुमा क्षेत्र के गांव अस्सा में पिछले 8 दिनों के भीतर पिता पुत्र समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार एक के बाद एक मौत होने से गांव में दहशत का माहौल है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से कैंप लगाकर कोरोना की जांच कराने की मांग की है। आगरा में एक आइसक्रीम डीलर ने पुलिस कर्मियों पर 70,000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। पीड़ित का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है, मगर अभी तक इस मामले में लिखित शिकायत नहीं की गई है। सिपाही कोतवाली थाने में तैनात बताए गए हैं। पुराने लखनऊ से उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की हेल्पलाइन 0522406325 पर फोन आया कि अंकल, हमारे यहाँ एक वक्त की रोटी का राशन तक नहीं है। माँ बीमार है, उसकी दवाइयों के पैसे नहीं है। पिता का कोविड-19 से निधन हो चुका है। घर का खर्च किराएदार से चलता था, चौथा माह चल रहा है, एक किराएदार नहीं है। बचता का पैसा पिता व माँ के इलाज में खर्च हो चुका है, प्लीज मदद कर दीजिए। एक बच्चे की आवाज़ सुनकर एसोसिएशन ने राशन पहुँचाया और माँ की दवाइयों की व्यवस्था की। आगरा के मलपुरा इलाके में घर के दरवाजे पर खेलते 5 साल के मासूम बालक को युवक ने अगवा कर लिया, उससे दुष्कृत करके 1 घंटे बाद दरवाजे पर छोड़ गया। मासूम की हालात देखकर परिवार के लोग आरोपित के घर पहुंचे तो वह फरार था। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया है।